सबसे पहले खबर एक हीरोइन की रहस्यमय मौत की। इस हीरोइन की मौत का राज 001 नंबर के एक फ्लैट से जुड़ा है। मुंबई का ये वही फ्लैट है जिसमें 23 साल की तमिल फिल्मों की इस हीरोइन की लाश बेहद संदिग्ध हालत में मिली है। लाश फ्लैट के अंदर पड़ी थी और फ्लैट का दरवाजा लॉक था। क्या इस फ्लैट के अंदर ही तमिल फिल्मों की उभरती हुई इस हीरोइन का कत्ल किया गया है? मुंबई में एक खूबसूरत हीरोइन की मौत। 23 साल की तमिल फिल्मों की हीरोइन विदुषी बेर्डे की लाश बेहद संदिग्ध हालत में मुंबई के उनके इस फ्लैट से मिली। चेन्नई की रहने वाली विदुषी मॉडलिंग भी करती थी, साथ ही वो कई तमिल फिल्मों में बतौर सह अभिनेत्री काम कर चुकी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विदुषी अपने पति केदार बेर्डे के साथ अंधेरी के मनीष गार्डन के फ्लैट नंबर 001 में रह रही थी। सोमवार की शाम इसी फ्लैट से बेहद रहस्यमय हालत में विदुषी की लाश मिली। उसके इस खूबसूरत चेहरे पर जख्मों के निशान थे। इस हीरोइन की संदिग्ध मौत की खबर लगते ही पूरी सोसाइटी में सनसनी फैल गई। पुलिस कहती है कि सोमवार शाम विदुषी के पति केदार ने ही पुलिस को फोन कर बताया था कि विदुषी संदिग्ध हालत में फ्लैट के अंदर फर्श पर पड़ी मिली। उस वक्त फ्लैट का दरवाजा लॉक था। केदार ने दूसरी चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोला था। सुबह 7:50 को केदार बर्डे उसके ऑफिस में गया था। जब रात को वापस आया तो उसने बेल दबाया, घर से अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। खुद की चाबी से उसने घर खोला तो उसको तभी ये पूरा सीन देखने को मिला। फिर उसने इंजर्ड को कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया था, लेकिन उसको डेथ बिफोर एडमिशन उसको घोषित किया गया। केदार ने पुलिस को यह भी बताया कि विदुषी डायबिटीज की मरीज थी। सोमवार को वो घर में अकेली थी। हो सकता है कि उसके साथ कोई हादसा हुआ हो और उसकी मौत हो गई हो। लेकिन जब पुलिस ने विदुषी की लाश को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर कई जख्मों के निशान मिले। पुलिस को शक है कि विदुषी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि हीरोइन का कत्ल क्यों हुआ? क्या लूट के लिए इस हीरोइन का मर्डर हो गया? सुराग तलाशने के लिए पुलिस ने विदुषी के फ्लैट की छानबीन शुरू की, लेकिन उसके फ्लैट से कोई भी सामान गायब नहीं था। साथ ही फ्लैट का ये दरवाजा भी लॉक था, जिसे खुद केदार ने ही दूसरी चाबी से खोला था। उसके हस्बैंड केदार बर्डे ने पुलिस में कंप्लेन दिया था। तभी उसने बोला था कि वो जुवेनाइल डायबिटीज है और उसको चक्कर आने की शिकायत थी और घर का पूरा जो प्रॉपर्टी वगैरह पूरे इंटैक्ट है। इसके लिए हमने केदार बर्डे की कंप्लेन के ऊपर एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर किया था। आज हमने जब सरकमस्टांसेस देख लिए, इंजुरीज वगैरह देख लिया, तो हमने मर्डर का मामला अभी हमने दर्ज किया है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश कहती है कि हीरोइन विदुषी का कत्ल हुआ है, लेकिन सवाल ये भी है कि उसके ही पति केदार को ऐसा क्यों लग रहा है कि विदुषी की मौत एक हादसा है? मुंबई में 23 साल की मॉडल की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तो ये आप फ्लैट देख रहे हैं, ये विदुषी बर्डे जो मॉडल बताई जा रही है, जो 23 वर्षीय है, उसका ये फ्लैट है। कल देर शाम 8:30 करीब उसके जो पति हैं वो जब यहाँ पे आए, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा नहीं खुलने पे जब उन्होंने एक अपनी जो की थी उसे खोला तो जैसे ही वो अंदर गए उसके बाद से विदुषी बर्डे जो थी उनकी जो लाश है वो फर्श पे पड़ी दिखाई दी। इस फ्लैट में केदार और विदुषी ही रहते थे। सोमवार सुबह 7:30 केदार अपने ऑफिस चला गया था और शाम 7:00 लौट कर आया। लेकिन सोसाइटी के गार्ड के मुताबिक दोपहर 2:14 पर एक शख्स विदुषी के फ्लैट पर आया था, लेकिन वो काफी देर तक दरवाजे पर लगी बेल बजाता रहा, लेकिन विदुषी ने तब भी दरवाजा नहीं खोला था, जिसके बाद वो शख्स यहाँ से चला गया। आया था लेकिन दरवाजा नहीं खोला था। कौन आया था मिलने? अब हमको क्या मालूम, इधर एंट्री किया। कौन था मिलने वाला, मतलब क्या नाम बताया? नाम इधर लिखा था सर, नाम तो बताया नहीं था, ये लिखा था। कितने बजे मिलने आया था वो? 2:14। कौन था आदमी? था आदमी। क्या नाम, उसमें नाम क्या लिखा है? पुलिस अब उस शख्स की तलाश में जुटी है। शक के आधार पर पुलिस केदार से पूछताछ कर रही है, साथ ही पुलिस ने विदुषी के पिता से भी पूछताछ की, लेकिन फिलहाल उन्हें किसी पर शक नहीं है। पिताजी को भी हमने इंटरोगेट किया है और उसने कोई शक या संशय कुछ भी बताया नहीं। पुलिस ने विदुषी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही विदुषी की मौत का सच सामने आएगा।
फिलहाल पुलिस अज्ञात शख्स के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। हीरोइन की मौत का राज तलाश रही पुलिस के शक के दायरे में हीरोइन का पति भी है। पति पर शक इसलिए भी है क्योंकि उसने हीरोइन की इस मौत को एक हादसा बताया था। क्या इस हीरोइन की शादीशुदा जिंदगी में खटास आ चुकी थी? ये तस्वीरें विदुषी की शादी की हैं। इन तस्वीरों में विदुषी कितनी खूबसूरत और खुश लग रही है। 3 साल पहले विदुषी की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर केदार बेर्डे से हुई थी। पुलिस के दिए बयान में विदुषी के पिता ने बताया कि वो दोनों हंसी खुशी रहते थे। पिता के मुताबिक शादी के बाद से विदुषी ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। विदुषी अभी कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन वो उसने कुछ छोटे मोटे तमिल फिल्म में काम किया है, वैसे उसके पिताजी ने जानकारी दी है। अभी हमारे पास इतनी जानकारी है, अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। विदुषी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शादी के बाद से केदार उसे फिल्मों में काम करने से मना करता था? क्या दोनों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन शुरू हो गई थी? अगर ऐसा नहीं था तो मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने वाली उभरती हुई हीरोइन घर पर क्यों बैठ गई थी? जिस वक्त विदुषी की मौत हुई वो घर पर अकेली ही थी। केदार कहता है कि उसे चक्कर आने की बीमारी थी। सवाल ये भी है कि अगर वो बीमार थी तो उसने ऐसे हालत में विदुषी को घर पर अकेला क्यों छोड़ा? शुरुआती तफ्तीश में हुई पूछताछ में पुलिस को केदार के बयान पर शक हो रहा है, इसलिए पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। अब पुलिस उससे कई और सवाल के जवाब जानने की कोशिश कर रही है, जिससे इस हीरोइन की मौत का सच सामने आ सके। मॉडल विदुषी की मौत के बाद पुलिस का शक उसके पति केदार बर्डे पर जा चुकी है, जिसके बाद पुलिस केदार बर्डे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस पड़ोसी से जानने की कोशिश कर रही है कि पति पत्नी के संबंध कैसे थे, कई रिश्तों की खटास हत्या की साजिश का अनदेखा सच तो नहीं।